हेलो एवरीवन ऑनलाइन क्लासेस क्लास नाइन्थ सब्जेक्ट जियोग्राफी चैप्टर सिक्स पार्ट टू प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज एंड ग्रोथ जनसंख्या वृद्धि परिवर्तन की प्रक्रिया दे आर थ्री मैन प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन बर्थ रेट्स डेथ रेट्स एंड माइग्रेशन जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की तीन मुख्य प्रक्रिया हैं जन्मदर मृत्यु दर और प्रवास द नेचुरल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन इज द डिफ्रेंसेस बिटवीन बर्थ रेट्स एंड डेथ रेट्स जन्मदर एवं मृत्यु दर के बीच का अंतर जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि हो है बर्थ रेट इज द नंबर ऑफ लाइव बर्थ बर्थ फॉर थाउजेंड पर्सन इन एयर इट इज ए मेजर कंपोनेंट ऑफ ग्रोथ बिकॉज इन इंडिया वर्थ रेट्स हैव ऑलवेज बीन हायर डेथ रेट्स एक वर्ष में प्रति हजार व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे जन्मदर कहते हैं यह वृद्धि का एक प्रमुख घटक है क्योंकि भारत में हमेशा जन्मदर मृत्यु दर से अधिक रहता है डेथ रेट इज द नंबर ऑफ डेथ पर थाउजेंड पर्सन इन एयर द मैन केसेस ऑफ द रेट ऑफ ग्रोथ ग्रोथ ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन हैज़ बीन द रैपिड डिस्कलीन इन डेथ रेट्स एक वर्ष में प्रति हजार व्यक्ति को मरने वालों की जनसंख्या को मृत्यु दर कहा जाता है मृत्यु दर में तेज गिरावट भारत की जनसंख्या में वृद्धि की दर का मुख्य कारण है टिल नाइनटी हाई बर्थ रेट्स ऑफ डिक्लीनिंग डेथ रेट्स लेड टू ए लार्ज डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट्स एंड डेथ रेट्स रिजल्टिंग इन हाईअप रेट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ सिंस नाइंटीटी वन बर्थ रेट्स हैव आल्सो स्टार्टेड रिजल्टिंग इन इन द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ व्हाट आर द रीजन्स फॉर दिस ट्रेंड उन्नीस सौ अस्सी तक उच्च जन्मदर एवं मृत्यु दर में, में लगातार गिरावट के कारण जन्मदर तथा मृत्यु दर में, में काफ़ी बड़ा अंतर आ गया आ गया एवं इसके कारण जनसंख्या वृद्धि दर अधिक हो गई उन्नीस सौ इक्यासी में धीरे धीरे जन्म दर में भी गिरावट आनी शुरू हुई जिसके परिणाम जनसंख्या वृद्धि दर में भी गिरावट आई इसी प्रकार के चलन का क्या कारण है द थर्ड कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ माइग्रेशन माइग्रेशन इज द मोवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस रीजन एंड टेरिटोरीज माइग्रेशन कैन बी इंटरनल विथ इन द कंट्री और इंटरनेशनल बिटवीन द कंट्रीज जनसंख्या वृद्धि का तीसरा घटक है प्रवास लोगों को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने को, को प्रवास कहते हैं प्रवास आंतरिक देश के भीतर या अंतर्राष्ट्रीय देश के बीच हो सकता है इंटरनल माइग्रेशन डज नॉट चेंज द साइज ऑफ द पॉपुलेशन बट इंफ्लूज इंप्लूस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन विथ इन द नेशन माइग्रेशन प्ले प्लेज ए वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन द चेंजिंग द कंपोजिशंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन आंतरिक प्रवास जनसंख्या के आकार में कई परिवर्तन नहीं लाता है लेकिन यह एक देश के भीतर जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है जनसंख्या वितरण एवं उसके घटकों को परिवर्तित करने में प्रवास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है In India, most migrations have been from rural uh, to urban areas because of the push factor in rural areas, these are adverse conditions of poverty and unemployment in the rural areas and the pull of the city in terms of increased employment opportunity and better living conditions. भारत में अधिकतर प्रवास ग्रामीण एवं शहरी शहरी क्षेत्रों की ओर होता है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में आकर्ष आकर्षण कारक प्रभावी होते हैं यह ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी एवं बेरोजगारी के प्रतिकूल अवस्थाएं हैं तथा नगर का अभिकर्षण पुल प्रभाव रोजगार में वृद्धि एवं अच्छे जीवन स्तर को दर्शाता है माइग्रेशन इज एन इम्पॉर्टेंट डेटाम डेटाम of people changes it changes not only the population size but also the population composition of urban and rural populations in terms of age and sex compositions in india the rural-urban migration has resulted in a steady increase in the percentage of populations in cities and towns, the urban population has increased from 70.29% of the total population in 1951 to 31.80% in 2011. There has been a significant increase in the number of million plus cities from 35 to 53 in just one decade, 2001 to 2011. प्रवास जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण घटक है यह केवल जनसंख्या के आकार को ही प्रभावित नहीं करता बल्कि उम्र एवं लिंग के दृष्टिकोण से नागरिक एवं ग्रामीण जनसंख्या की संरचना को भी परिवर्तित करता है भारत में ग्रामीण नगरी प्रवास के कारण शहरों तथा नगरों में जनसंख्या में नियमित वृद्धि हुई है उन्नीस में कुल जनसंख्या की सत्रह दशमलव उनतीस प्रतिशत जनसंख्या थी जो 2011 में बढ़कर इकतीस दशमलव अस्सी प्रतिशत हो गई है एक दशक एक से दो हज़ार के भीतर 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 35 से बढ़कर 50 हो गई है एज कम्पोजीशन आयु संरचना द एज कम्पोजिशन ऑफ ए पॉपुलेशन रिफेयर टू द नंबर ऑफ पीपल इन डिफरेंट एज ग्रुप इन ए कंट्री इट इज वन ऑफ द मोस्ट बेसिक Characteristic of a population to an important degree, a person's age influences what he, she, needs, why, does, and his upon her capacity to perform. Consequently, the numbers and percentage of a population found within the children working age and aged group are notable, determinate, determinate of the population's. सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर किसी देश में जनसंख्या की आयु संरचना वहाँ के विभिन्न आयु समूहों के लोगों की संख्या को बताता है यह जनसंख्या के मूल विशेषताओं में से एक है एक व्यक्ति की आयु उसकी इच्छा खरीदारी तथा काम करने की क्षमता को पर्याप्त रूप से प्रभावित करती है परिणाम रूप बच्चे वयस्क वृद्ध की संख्या एवं प्रतिशत किसी भी क्षेत्र के आबादी को सामाजिक एवं आर्थिक ढांचे की, की निर्धारक होती है द पॉपुलेशन ऑफ ए नेशन इज जनरली ग्रुपड इन टू थ्री वो कैटेगरीज किसी राष्ट्र की आबादी को समानता तीन वर्गों में बांटा जाता है चिल्ड्रेन जनरली ब्लो फिफ्टीन ईयर्स बच्चे समानता पंद्रह वर्ष से कम दे आर इकोनॉमिकली अनप्रोडक्टिव एंड नीड टू बी प्रोवाइडेड विथ फूड क्लॉथिंग एजुकेशन एंड मेडिकल केयर यह आर्थिक रूप से उत्पादनशील नहीं होते हैं तथा इनको भोजन वस्त्र एवं स्वास्थ्य संबंधी सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कराने की आवश्यकता होती है वर्किंग एज फिफ्टीन टू फिफ्टी नाइन ईयर्स बयस्क पंद्रह से फिफ्टी नाइन वर्ष तक दे आर इकोनॉमिकली प्रोडक्टी प्रोडक्टिव एंड बायोलॉजिकली रिप्रोडक्टिव दे कम कंप्राइज़ द बैकिंग पॉपुलेशन वे आर्थिक रूप से उत्पादनशील तथा जैविक रूप से प्रजनशील होते हैं यह जनसंख्या के का कार्यशील वर्ग है एजेड एबव फिफ्टी नाइन ईयर्स वृद्ध दे कैन बी इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव थॉट दे माई हैव रिटायर्ड दे हैव माई बी वर्किंग वॉलटी बट दे आर नॉट अवेलेबल फॉर एम्प्लॉयमेंट और रिक्वायरमेंट ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील व अवकाश प्राप्त कर सकते हैं वह स्वैच्छिक रूप से कार्य कर सकते हैं लेकिन भर्ती प्रक्रिया के दौरान इनकी नियुक्ति नहीं की नहीं होती है द परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रेन एंड द एजड एफेक्ट द डिपेंडेंडेंसी रेटियो बिकॉज द एज ग्रुप आर नॉट प्रोड्यूस द प्रोपरेश द्री ग्रुप्स इन इंडिया पॉपुलेशन इज ऑलरेडी परसेंटेज इन फिगर सिक्स पॉइंट फाइव बच्चों तथा वृद्धों की प्रतिशत जनसंख्या के आसित अनुपात को प्रभावित करता है क्योंकि ये समूह उत्पादक नहीं होते हैं भारत की जनसंख्या में इन तीनों समूह के अनुपात को का चित्र छह दशमलव छह में दर्शाया गया है नंबर ऑफ फीमेल्स पर Both males in the population. This information is an important social indicator to measure the extent of equality between males and females in a society at a given time. The sex ratio in the country has always reminded unfavorable to female. Find out why this is so. Table six point two. So the sex ratio from nineteen fifty one to टू थाउजेंड इलेवन लिंग अनुपात प्रति एक हज़ार पुरुषों तथा महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहा जाता है यह जानकारी किसी दिए गए समय में समाज में पुरुषों एवं महिलाओं के बीच समानता की सीमा मापने के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सूचक है देश में लिंग अनुपात प्रायः महिलाओं के पक्ष में नहीं होता ऐसा क्यों नहीं होता इसका पता लगाइए सन उन्नीस सौ इक्यावन से दो हज़ार ग्यारह के बीच के लिंग अनुपात को शनी में दर्शाया गया हुआ है लिटरेसी रेट्स साक्षरता दर लिटरेसी इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ ए पॉपुलेशन ऑब्जर्वली ओनली अनफॉर्मेड एंड एजुकेटेड सिटीजन कैन मेक इंटेलिजेंट चॉइसेस एंड अंडरटेक रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लो लेवल ऑफ लिटरेसी लिटरेसी आर A serious object for economic improvement. According to the Sussex 2011, a person aged seven years and above who can read and write with understanding in any language is treated as literate. There has been ए स्टडी इम्प्रूवमेंट इन द लिटरेसी लेवल इन इंडिया द लिटरेसी रेट इन द कंट्री एज पर सक्सेस ऑफ टू टू थाउजेंड इलेवन इज सेवेंटी थ्री परसेंट एट्टी पॉइंट नाइन परसेंट फॉर मेल्स एंड सिक्सटी फोर पॉइंट सिक्स परसेंट फॉर फीमेल वाई डू सेक्स डिफरेंस एक्सिट्स साक्षरता किसी जनसंख्या का महत्व बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है स्पष्ट केवल एक शिक्षित एवं जागरूक नागरिक ही बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय ले सकता है तथा सोग्र एवं विकास के कार्य कर सकता है साक्षरता स्तर की कमी आर्थिक प्रगति में एक गंभीर बाधा है 2011 की जनगणना के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु सात वर्ष या उससे अधिक है जो किसी भी भाषा को समझकर लिख या पढ़ सकता है उसे साक्षर की श्रेणी में रखा जाता है भारत की साक्षरता के स्तर में धीरे धीरे सुधार हो रहा है दो हज़ार ग्यारह की जनगणना के अनुसार देश की साक्षरता दर तिहत्तर परसेंट से अस्सी परसेंट अस्सी पॉइंट दशमलव नौ परसेंट पुरुषों में और महिलाओं में चौंसठ दशमलव छः परसेंट महिलाओं में है साक्षरता दरों में इस प्रकार का अंतर पाया गया है अब व्यावसायिक संरचना आर्थिक रूप से क्रियाशील जनसंख्या का प्रतिशत विकास का एक महत्वपूर्ण सूचक होता है विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के अनुसार किए गए जनसंख्या के वितरण को व्यावसायिक संरचना कहा जाता है किसी भी देश में विभिन्न व्यवसायों को करने वाले विभिन्न भिन्न भिन्न लोग होते हैं व्यवसायों की समानता प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है प्राइमरी एक्टिविटीज इंक्लूड एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री फॉरेस्ट्री फिशिंग माइनिंग एंड Curing sector secondary activities include manufacturing, industries, building and construction work etc. tertiary activities. Activities include transport, communications, commerce, ad administrations, and other services, the proprietors of people working in different activities, various in developed and de 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 developing countries. Developed nations have a high. Pro Proportions of people in secondary and tertiary activities de developing countries end to have a higher proportions of their workforce engaged in wo primary activities. In India, about sixty-four percent of the population is engaged only in agriculture. The proportions of populations dependent of secondary and tertiary sector is about thirty and twenty percent, respectively. देयर हैज़ बीन एन एक्यूपेशनल शिफ्ट इन फेवर ऑफ सेकेंडरी एंड टेरेटरी सेक्टर बिकॉज ऑफ ग्रोविंग इंडस्ट्रियाज इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन इन रिसेंट टाइम्स प्राथमिक इनमें से कृषि पशुपालन विक्षण एवं मछली पालन एवं एवं खनन आदि क्रियाएं शामिल हैं द्वितीय क्रियाकलापों में उत्पादन करने वाले उद्योग भवन एवं निर्माण कार्य कर आते हैं तृतीय क्रियाकलापों में परिवहन संचार वाणिज्य प्रशासन एवं सेवाएं शामिल हैं विकसित एवं विकासशील देशों में विभिन्न क्रियाकलापों में कार्य करने वाले लोगों को अनुपात अलग अलग होता है विकसित देशों में द्वितीयक एवं तृतीय क्रियाकलापों में कार्य करने वाले लोगों की संख्या का अनुपात अधिक होता है विकासशील देशों में प्राथमिक क्रियाकलापों में कायत लोगों का अनुपात अधिक होता है भारत में कुल जनसंख्या का चौंसठ प्रतिशत भाग केवल कृषि करता है द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में कायत लोगों की संख्या का अनुपात क्रमशः तेरह तथा बीस प्रतिशत है वर्तमान समय में बढ़ते हुए औद्योगिकरण एवं शहरीकरण की वृद्धि होने के कारण द्वितीय और तृतीय क्षेत्रों में व्यावसायिक परिवर्तन हुआ है हेल्थ स्वस्थ हेल्थ इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन कंपोजिशन विच एफेक्ट द प्रोसेस ऑफ डेपलमेंट सबसुस्टेंट इफोर्ट ऑफ गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हैव रजिस्टर्ड सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन द हेल्थ कंडीशन ऑफ द इंडिया पॉपुलेसन डेथ रेट्स है डिक्लीनिंग फ्रॉम ट्वेंटी फाइव परसेंट वन थाउजेंड पॉपुलेसन इन नाइनटीन फिफ्टी वन टू सेवन पॉइंट टू परस वन थाउजेंड इन टू थाउजेंड इलेवन एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ हैज़ इंक्रीज फ्राम थर्टी सिक्स पॉइंट सेवन ईयर इन नाइनटीन फिफ्टी वन टू सिक्सटी सेवन पॉइंट नाइन ईयर्स इन टू थाउजेंड ट्वेल्व स्वस्थ स्वास्थ्य जनसंख्या की संरचना का एक महत्वपूर्ण घटक है जो कि विकास की, की प्रक्रिया को प्रभावित करता है सरकारी काम कार्यक्रमों के का निरंतर सरकारी कार्यक्रमों में निरंतर प्रयास के द्वारा भारत की जनसंख्या का स्वस्थ स्तर में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है मृत्यु दर जो उन्नीस में प्रति हज़ार पच्चीस थी दो हजार ग्यारह में घटकर प्रति हज़ार सात दशमलव दो रह गई है औसत आयु जो कि उन्नीस से छत्तीस दशमलव सात वर्ष थी वह बढ़कर दो हजार ग्यारह में सड़सठ दशमलव नौ हो गई है द सब दब इंस्टेंटियल इंप्रूवमेंट इज द रिजल्ट ऑफ मैनी सेक्टर इंक्लूडिंग इंप्रूवमेंट इन पब्लिक हेल्थ प्रिवेशन ऑफ इंफेक्स डिसीज एंड एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न मेडिकल प्रैक्टिस इन डायग्निस्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ एलिमेंट महत्वपूर्ण सुधार बहुत से कारकों जैसे जन स्वास्थ्य संक्रामक बीमारियों से बचाव एवं लोगों के इलाज के लिए आधुनिक तकनीकों का प्रयोग भी प्रयोग के परिणामस्वरूप हुआ है डिस्पाइट कॉन्सिडरेबल अचीवमेंट द हेल्थ सिचुएशन इज ए मैटर ऑफ मेजर कंसर्न फॉर इंडिया द पर कैपिटा Chloric Consumption is much below the recommended level, and malnutrition affects efficient or a large percentage of our population. Safe drinking water and basic sanitation amenities are available to only one-third of the rural population. These problems need to be tackled. टलेट थॉट एंड अप्रोप्राइट पॉपुलेशन पॉलिसी अब महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बावजूद भारत के लिए स्वास्थ्य का स्तर एक मुख्य चिंता का विषय था प्रति व्यक्ति कैलोरी की खपत अनुशासित स्तर में से काफी कम थी तथा हमारी जनसंख्या का एक बड़ा भाग कुपोषण से प्रभावित था शुद्ध पीने का पानी तथा मूल स्वास्थ्य रक्षा सुविधाएं ग्रामीण जनसंख्या के में के केवल एक तिहाई भाग को उपलब्ध था इन समस्याओं को एक उचित जनसंख्या नीति के द्वारा हल करने की आवश्यकता थी एडोलसेट पॉपुलेशन किशोर जनसंख्या the most significant features of the indian population is the size of its adolescent population is constitutes one-fifth of the total population of india adolescents are generally grouped in the group age group of 10 to 19 years they are the most important resource for the future nutrition requirements of adolescent are higher than those of a normal child or adult. Poor nutrition can lead to deficiency and stunted growth, but in India the data available to adolescent in inadequate in, in all nutrition, a large number of adolescent girls suffer from anemia. They are problem have so far not received adequate attentions is in the process of deployment. the adolescent girls have to be sensitized to the problems they confront. awareness among them can be improved through the spread of literacy and education. किशोर जनसंख्या भारत की जनसंख्या का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण इसकी किशोर जनसंख्या का आकार है यह भारत की कुल जनसंख्या का पांचवा भाग है किशोर प्रायः दस से उन्नीस वर्ष की आयु वर्ग के होते हैं यह भविष्य के सबसे महत्वपूर्ण मानव संसाधन है किशोरों के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता बच्चों तथा वयस्कों से अधिक होती है कुपोषण से इनका स्वास्थ्य खराब तथा विकास अवरोधित हो जा हो सकता है परंतु भारत में किशोर की प्राप्त भोजन में पोषक तत्व अपर्याप्त होते हैं बहुत से किशोर बालिकाएं रक्तहीनता से पीड़ित तो रहती हैं विकास की प्रक्रिया में इनकी समस्याओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा गया है किशोर बालिकाओं को अपनी समस्याओं के प्रति संवेदनशील बना, बनाना चाहिए शिक्षा का प्रसार एवं इसमें सुधार के द्वारा इन उनमें इन समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सकती है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी राष्ट्रीय जनसंख्या नीति रिकॉनेजिंग that the planning of families would improve individual health and welfare the government of india entitled a comprehensive family planning program in 1952 the family welfare programming has served to promote re responsible and planned, planned parenthood on a voluntary basis the national population of पॉलिसी एन डी पी टू थाउजेंड इन इज ए कम्बिनेशन ऑफ ईयर ऑफ प्लान रिपोर्ट्स परिवार को आकार की सीमित रखकर एक व्यक्ति के स्वास्थ्य एवं कल्याण को सुधारा जा सकता है इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने उन्नीस में एक व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रारंभ किया परिवार कल्याण कार्यक्रम जिम्मेदार तथा सुनियोजित को बढ़ावा देने के लिए कायत था राष्ट्रीय जनसंख्या नीति दो हजार कई वर्षों के नियोजित प्रयासों का परिणाम रहा द एन पी पी प्रोवाइडर्स ए पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर इम्पैटिंग फ्री एंड कंपल्सरी स्कूल एजुकेशन अप टू फोर्टीन ईयर्स ऑफ एज रिड्यूसिंग इन्फंड मॉर्टरिटी रेट टू ब्लो थर्टी पर थर्टी पर वन थाउजेंड लाइफ बर्थ अचीविंग यूनिवर्सल इमेशन ऑफ चिल्ड्रेन एग्नेस्ट ऑल वैक्सीन प्रिवेंटिबल डिसीज प्रोवेटिव डिलेड मैरिज फॉर गर्ल्स एंड मैकिंग फैमिली वेलफेयर ए पी पी सेंटर्ड प्रोग्रामिंग राष्ट्रीय जनसंख्या नीति दो हजार चौदह दो हजार से नीति राष्ट्रीय जनसंख्या नीति दो हज़ार चौदह वर्ष से कम आयु के बच्चों को निशुल्क शिक्षा प्रदान करना शिशु मृत्यु दर को प्रति एक हाँ, हज़ार से तीस से कम करने व्यापक स्तर पर टीका रोधी बीमारियों से बच्चों को छुटकारा दिलाने लड़कियों को शादी की उम्र को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने तथा परिवार नियोजन का एक जन केंद्रित कार्यक्रम बनाने के लिए नीतिगत ढांचा प्रदान करती है pp2000 and adolescent and pp2000 identified adolescent as one of the major sections of the population that need greater attention. besides nutritional requirements, the policy put greater emphasis on their important need of adolescent, including protection from unwanted progra pregnancy, pregnancy and sexually transmitted disease is called for programmes that aim towards encouraging delayed marriage and child bearing education of adolescents about the risk of unprotected unpro sex making contraceptive services accessible and affordable providing food supplement supplement न्यूट्राइजेशनल सर्विसेज एंड स्टेंथिंग लीगल मेसर्स टू प्रिवेंट चाइल्ड मैरिज पीपल आर द नेशंस मोस्ट बेरोबल रिसोर्स एवल एवेल एजुकेटेड हेल्थी पॉपुलेश प्रोवाइड पोटेंशियल पावर राष्ट्रीय जनसंख्या नीति दो हजार और किशोर राष्ट्रीय जनसंख्या नीति दो ने किशोर किशोरियों की पहचान जनसंख्या से उस प्रमुख भाग के रूप में की जिस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता थी पौषणिक आवश्यकताओं की अतिरिक्त इस नीति में अवांछित गर्भधारण और यौन संबंधी से प्रसारित बीमारियों से किशोर किशोरियों की सुरक्षा जैसे अन्य महत्वपूर्ण आवश्यकताओं पर भी जोर दिया गया इसके द्वारा ऐसे कार्यक्रम चलाए गए जिनका उद्देश्य देर से विवाह और देश से संतानु उत्पत्ति का उत्पत प्रोत्साहन करना किशोर किशोरियों को असुरक्षित यौन संबंध के कुर प्रभावों को बारे में शिक्षित करना गैर निरोधक सेवाओं को पहुँच कर पहुँच और खरीद के भीतर बनाना खाद्य संपूरक और पौषाणिक सेवाएं उपलब्ध करवाना तो और बाल विवाह को रोकने का कानून को सृढ़ करना किसी भी राष्ट्र के लिए वहाँ के लोग बहुमूल्य संसाधन होते हैं एक शिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या ही कार्यक्रम शक्ति प्रदान करती है थैंक यू